हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मैंने एक क्विक रिवीजन बैच स्टार्ट किया हुआ था, जिस पर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी मेंस के क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको कवर करवाए जा रहे थे। तो आज का हमारा ये टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क, जिस पर सीजीएल मेंस के मैं क्वेश्चंस आपको कवर करवाऊंगा ईयर 2014, 15 एंड 16 के। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो करियर डा लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए करियर डा कोचिंग। तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको जितनी भी पीडीएफ्स हैं, ये जितने भी वीडियोस आपको मिलते हैं इनकी आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, सो दैट आपको रिविज़न पर हेल्प करेगी। चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारे टॉपिक का पहला क्वेश्चन है जो कि ये देखिए, जो बच्चे नए हैं वो जान लीजिए किस तरीके से आपको ईयर देखना है। यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखा होगा और उसके साथ ही साथ आपको बता दिया जाएगा किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, दो कर्मचारियों ने, दो वर्कर्स ने, ए तथा बी ने साथ मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर दिया। यदि अब ए की क्षमता दोगुनी कर दी जाए और बी की क्षमता वन थर्ड कर दी जाए तो वही काम अब 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो फाइंड आउट करिए ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए के लिए आपसे टाइम पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले आप फाइंड आउट करते हैं इसमें टोटल वर्क। देखिए सबसे पहले मैंने फाइंड आउट किया है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क होता क्या है? टोटल वर्क होता है वर्कर्स इंटू डेज, वर्कर्स इंटू टाइम। तो मैंने मान लिया ए की एफिशिएंसी है ए और बी की एफिशिएंसी है बी, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्कर्स ए प्लस बी और टाइम हो जाएगा 5 डेज, वर्कर्स इंटू डेज। अब इसने बोला ए की एफिशिएंसी दोगुनी हो गई तो 2A हो गया, और बी की एफिशिएंसी 1/3 हो गई तो ये आ गया 2A प्लस 1/3 ऑफ बी, और टाइम अब लगा है 3 डेज का तो इंटू कर दिया 3 डेज। यहाँ से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया ए इज इक्वल टू 4B, मीन्स ए बाई बी आ जाएगा 4/1। तो ए और बी की एफिशिएंसी आपको पता लग गई, ए और बी की वैल्यू आपको पता लग गई, तो उठा करके आपने टोटल वर्क में पुट कर लिया तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू 5, मतलब 4 प्लस 1 इंटू 5, ये आ गया 25। तो यहाँ से आपने निकाल लिया ए का टाइम। तो ए का टाइम कैसे निकालेंगे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना करना है? 25, और एफिशिएंसी कितनी है ए की? 4। तो ये बन जाएगा ए का टाइम कितना? 6/1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये देखिए, ये भी 2014 के मेंस एग्जाम पर क्वेश्चन पूछा गया था। लिखा हुआ है ए 20 दिनों में और बी 30 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर दोनों काम छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद सी अकेले आता है जो कि शेष काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कह रहा सी पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा? तो देखिए ए और बी के आपको टाइम पता है, ए का टाइम था 20 दिन, बी का टाइम था 30 दिन। आपने सबसे पहले टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? एलसीएम से। 20 और 30 का एलसीएम लिया, आ गया 60, टोटल वर्क आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए 20 दिनों में 60 काम कर रहा है, तो 20 दिनों में अगर 60 काम करेगा तो एक दिन में कितने काम करेगा? 3 काम करेगा, और बी 30 दिनों में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितने काम करेगा? 2 काम करेगा। तो इस प्रकार इसने बोला ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। वर्क डन निकाला, ए और बी 7 दिनों तक काम करते हैं, तो एक दिन में अगर 5 काम करेंगे, 3 प्लस 2 5 काम करेंगे, तो 7 दिनों में 35 यूनिट काम कर लेंगे। जबकि काम था कितना? टोटल 60 यूनिट काम था, जिसमें कि 35 यूनिट काम हो चुका है, तो काम बचा कितना? 60 माइनस 35 कितना बचा? 25 यूनिट, 25 यूनिट काम बचा। अब आपको देखना था सी की एफिशिएंसी। तो देखिए इसने बोला कि बचे हुए काम को, रिमेनिंग वर्क को सी 10 दिनों में कर लेता है, तो 10 दिन में अगर 25 काम करेगा तो एक दिन में कितने काम करेगा? 2.5 काम करेगा। ये आपने सी की एफिशिएंसी निकाल ली कि सी पर डे 2.5 काम करता है, और सी को टोटल कितने काम करने हैं? 60 काम करने हैं, तो कितना टाइम लग जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी 60/2, ये आ जाएगा 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2014 के मेंस एग्जाम पर क्वेश्चन पूछा गया था। 3 व्यक्ति 1200 रुपये के काम को पूरा करने का उपक्रम करते हैं। पहला व्यक्ति 8 दिन में काम पूरा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, और तीसरा व्यक्ति 16 दिन में पूरा कर सकता है। वे 3 दिनों में चौथे व्यक्ति की मदद से पूरा काम करते हैं, तो चौथे व्यक्ति को कितने रुपये मिलेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर चूंकि वेज की बात हो रही है, और वेज के लिए मैं बता दूँ, वेज उसी रेशियो में बटेगा, वेज का जो बंटवारा होगा
वो किस रेशियो में होगा, एफिशिएंसी के रेशियो में। किस रेशियो में होगा, एफिशिएंसी के रेशियो में होगा। तो सबसे पहले तो आप एफिशिएंसी का रेशियो निकालिए। देखिए ए बी सी डी का टाइम लिखा हुआ है, ए का टाइम है 8 दिन, बी का टाइम है 12 दिन, सी का टाइम 16 दिन और ए बी सी डी का कंबाइंड टाइम है 3 दिन। तो सबसे पहले आपने 8, 12, 16, 3 का एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा 48, मतलब टोटल काम करने हैं 48। वर्क में अगर टाइम से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी एफिशिएंसी, 8 से भाग दिया ए की एफिशिएंसी आ गई 6, 12 से भाग दिया बी की एफिशिएंसी 4, 16 से भाग दिया सी की एफिशिएंसी 3 और 3 से भाग दिया तो ए बी सी डी की एफिशिएंसी हो गई 16। और इस प्रकार से आपने जैसे ही इनके टाइम से डिवाइड किया तो इस प्रकार आपको पता पड़ जाएंगी एफिशिएंसी। अब आपसे पूछा गया था डी का शेयर, तो देखिए आपसे पूछा गया था यहाँ पर डी का शेयर, तो डी का हिस्सा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो आपने किया 3 और डिवाइड बाई टोटल टर्म्स, टोटल हिस्सा कितना है, टोटल पार्ट है 16, तो 3/16 हिस्सा मिलेगा डी को, कितने रुपए का, 1200 रुपये का, तो 3/16 गुणे कर दिया 1200, जो कि आ गया 225 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये 2014 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, अब बारी आ गई 2015 के सीजल मेंस की, 2015 के क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी के टाइम दिया हुआ है 16, 32, 48 दिनों में काम को कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन बी ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और सी ने काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर टाइम आपको दिया हुआ था 16, 32 और 48, आपने सबसे पहले इनका एलसीएम लिया जो कि आ गया 96 यूनिट, आपने वर्क में टाइम से डिवाइड कर दिया तो आ गई एफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हो उन पर आप कंसेप्ट लगाइए, आप ग्राफ मत बनाइए क्योंकि ग्राफ वाला पैटर्न जो होता है, पार्ट होता है, तरीका होता है, वो बड़ा होता है। आप यहाँ पर कंसेप्ट लगा दीजिए, क्या आ रहा है तो आने ना दो और जा रहा है तो जाने ना दो। देखिए यहाँ पर कौन जा रहा था, यहाँ पर जा रहा था पहले कौन, पहले जा रहा था यहाँ पर बी जा रहा था और फिर कौन जा रहा था, सी, और बी काम होने के कितने दिन पहले जा रहा था, 8 दिन पहले, तो हमने बोला जो जा रहा है उसे जाने ना दो, बी जाना चाह रहा है तो बी को जाने ना दो, बी से काम करवाओ। बी 1 दिन में कितने काम करता है, 3, तो 8 दिन में कितने काम करेगा, 3×8=24 काम करेगा। और सी कितने दिन पहले जाना चाह रहा था, 6 दिन, सी 1 दिन में कितने काम करता है, 2, तो 6 दिन में कितने काम करेगा, 12। तो कुल मिलाकर के जब आपने बी या सी को जाने ही नहीं दिया तो अब किसने किसने काम किया होगा, ए बी सी ने, तीनों ने मिलकर काम किया होगा और टोटल काम कितना होता है, 132। 132 काम तीनों ने किया है, मतलब तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, 6, 3, 9, 2, 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये टाइम आ जाएगा 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी 30, 20, 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, ए को बी द्वारा 1 दिन और सी को अगले दिन वैकल्पिक रूप से बारी बारी से सहायता की जाती है, काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले ए की सहायता करता है बी, फिर अगले दिन ए की सहायता करता है सी, तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ था ए बी सी का 30, 20 और 10 दिन, एलसीएम लिया आ गया 60, डिवाइड कर दिया टाइम से तो एफिशिएंसी आ गई 2, 3, 6। अब ए की हेल्प सबसे पहले की है बी ने, अगले दिन ए की हेल्प की है सी ने और इसी ऑल्टरनेट से काम चल रहा है, ए बी ए सी ए बी ए सी। ए बी 1 दिन में कितने काम करते हैं, 5 और ए सी 1 दिन में कितने काम करते हैं, 2+6=8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, ये सीक्वेंस, ये पैटर्न चलेगा, ये सीक्वेंस, ये पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम इसका पेयर बना ले, 5 और 8 का अगर हम पेयर बना ले, यहाँ पर ये हमने पेयर बना लिया यहाँ पर 5 और 8, तो 5 और 8 टोटल काम कितने हो गए, 13। अब आप 13 का एक ऐसा मल्टीपल सोचिए जो 60 के नज़दीक जाए, तो 13×4=52, 52 काम हो गए, 13×4=52, मतलब ऐसे आपको 4 पैकेट बनाने पड़े और प्रत्येक पैकेट में आप देख पा रहे हैं टाइम कितना लग रहा है, 2 दिन का, तो 4 पैकेट में टाइम कितना हो जाएगा, 8 दिन का टाइम हो जाएगा, ये 8 दिन का टाइम आ गया। अब 52 काम हो गए तो काम बाकी कितने रहे, 8, इस 8 काम में पहली बारी किसकी आएगी, ए बी की, और ए बी 1 दिन में कितने काम करता है, 5, मतलब यहाँ पर 1 दिन और बढ़ गया, 5 काम और हो गए। अब काम कितने बचे, 8 में 5 काम हो गए तो काम कितने बचे, 3,
अब बारी किसकी आ गई, अब बारी आ गई एसी की। और एसी एक दिन में कितने काम करता है, 8 काम करता है, इसका मतलब टाइम कितना लग जाएगा, 3/8। तो 3/8 टाइम और लग गया। तो टोटल टाइम आपने देखा, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम आ गया ये 4, 2, 8 और 1, 9, 9, 4, 2, 8, 8 और 1, 9, 9 से 3/8। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 9 से 3/8 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 4 × 2 तो ये हो गया था, 4, 2, 8 हो गया था, एक दिन और लग गया था। तो 4, 2, 8 और 1, 9, 9 से 3/8 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए, 9 से 3/8 ऑप्शन नंबर आ गया इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी एक काम को 30 और 36 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 25 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया, ए ने कितने दिनों बाद छुट्टी ली। तो ए और बी 30 और 36 दिनों में काम को करते हैं, तो आपने 30 और 36 का ले लिया एलसीएम, 30 और 36 का आप एलसीएम लेंगे तो आ गया 180, 30 से डिवाइड किया 6, 36 से डिवाइड किया 5, ये आ गई एफिशिएंसी। बी का 25 दिन का काम, इसने बोला था बी ने 25 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया, तो हम ये देख ले बी 25 दिन में कितने काम करता है। तो बी का 25 दिन का काम, बी का एक दिन का काम है 5, तो 25 दिन का काम हो जाएगा 125। 180 में से 125 काम तो बी ने अकेले किए, तो साथ में मिलकर कितने कितने काम किए होंगे, 180 से 125 काम घटा देंगे तो बचेंगे 55 काम। ये 55 काम ए और बी ने साथ मिलकर किए होंगे, और ए और बी साथ मिलकर कितने काम करते हैं, 11। एक दिन में 11 करेंगे तो 55 काम कितने दिनों में करेंगे, 5 दिनों में। इसका मतलब ए और बी 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं, तो ए ने 5 दिनों बाद काम छोड़ दिया होगा। 5 दिन साथ में काम करते हैं, इसका मतलब 5 दिन बाद इसने काम ए ने छोड़ दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए, और ये अब स्टार्ट हो रहा है 2016 के सीजल मेंस के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 7, 15 आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करके 20 दिन में पूरा करते हैं, फिर एक दिन में आवश्यक घंटों की संख्या का पता लगाएं ताकि 20 पुरुष 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल से ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, आप सीधे सीधे इनकी वैल्यूज़ को एमडीएच पर पुट कर दें, आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाते हैं। तो एमडीएच का आप सभी को कंसेप्ट पता होगा, MDHE/W, फुल फॉर्म क्या होता है, MDHE/W, एम फॉर मैन, डी फॉर डेज, एच फॉर आवर्स, ई फॉर एफिशिएंसी एंड डब्ल्यू फॉर वर्क। वैल्यू को उठा करके आप पुट कर लीजिए, 18 आदमी 20 दिनों में 8 घंटे काम करके एक पूरा काम करते हैं, उसी काम को करने के लिए 20 आदमी 12 दिनों में पर डे कितने घंटे काम करेंगे, तो आपने वैल्यू को पुट कर लिया और यहाँ से एच बराबर निकल गया 12 आवर्स। नेक्स्ट, ए बी और सी 575 रुपये के लिए काम करने के लिए नियोजित किया जाता है, ए और सी 19/23 काम पूरा करते हैं, तो बी की राशि का भुगतान कीजिए। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था वेज का जो बंटवारा होता है वो वर्क डन के रेशियो पर कर दिया जाता है, एफिशिएंसी के रेशियो पर कर दिया जाता है। वर्क डन देखिए, ए और सी का वर्क डन क्या है, 19/23, तो बचा हुआ काम किसने किया होगा, बी ने। बी ने कितने काम किए होंगे, 4/23, तो जी जब बी 4/23 काम कर रहा है तो बी को 4/23 रुपये भी मिलेंगे। ए और सी 19/23 काम करते हैं, बी 4/23 काम करता है, तो जब बी 4/23 भाग काम करेगा तो जो भी रुपए थे उसका 4/23 भाग ही बी को मिलेगा। तो 575 का 4/23 भाग बी को मिला, मतलब कितना रुपए बी को मिल गया, 100 रुपये बी को मिल जाएगा। नेक्स्ट, सुनील 4 दिनों में एक काम पूरा करता है जबकि दिनेश 6 दिनों में काम पूरा करता है, रमेश सुनील की तुलना में 1.5 गुना तेज काम करता है, वे कितने दिनों में एक साथ मिलकर काम पूरा करेंगे। सुनील, दिनेश और रमेश, सुनील 4 दिन में काम पूरा करता है, दिनेश 6 दिन में काम पूरा करता है, रमेश कितने दिनों में काम को पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर आपने 4 और 6 का LCM ले लिया, 4 और 6 का LCM आ जाएगा 12। 12 ये आपको क्या बताएगा, टोटल वर्क, वर्क में अगर आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी एफिशिएंसी। सुनील एक दिन में करेगा 3 काम और दिनेश एक दिन में करेगा 2 काम। अब आपसे ये बोला गया था रमेश सुनील से 1.5 गुना तेज़ी काम करता है, इसका मतलब रमेश की एफिशिएंसी सुनील की एफिशिएंसी की 1.5 गुनी है। तो सुनील अगर पर डे 3 काम कर रहा है तो रमेश पर डे कितने काम करेगा, 3 का 3/2, मतलब कितने काम करेगा, 9/2 काम करेगा। तो अब आपसे ये पूछा गया तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, तो 3, 2, 5, 5 और 4.5, 5 और 4.5 हो गया 9,
तो ये 9.5 काम अगर कर रहे हैं पर डे, अगर 9.5 काम कर रहे हैं तो 12 काम कितने दिनों में करेंगे, तो 12 बटे कर दिया 9.5 मतलब 19/2, तो आंसर मिल जाएगा 1/5/19 दिन। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 6 घंटे काम करने के बाद ए कार्य छोड़ देता है, बाकी कार्य को पूरा करने में बी को 36 घंटे लगते हैं। अकेले काम करने में बी को कितने घंटे कार्य करना होगा? तो ए और बी का 18 घंटे का काम है और कितने घंटे तक काम किया, साथ में 6 घंटे तक काम किया है। ए और बी का 18 घंटे काम था, ए और बी ने कितने घंटे साथ में काम, ए ने कितने घंटे साथ में काम किया था, 6 घंटे। इसने बोला 6 घंटे बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो 6 घंटे बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब ए ने काम किया 6 घंटे तक और बी ने उसके बाद 36 घंटे में उस काम को कंप्लीट किया, तो बी काम करता है 36 घंटे। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, बी पहले कितने घंटे काम करने के लिए आया था, 18 घंटे, लेकिन बी ने कितने घंटे काम किया, 36 घंटे। कितने घंटे ज़्यादा काम किया, 36 में से 18 घटा देंगे तो कितने घंटे ज़्यादा काम किया, 18 घंटे। इसने 18 घंटे ज़्यादा काम क्यों किया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ए ने यहाँ पर देखिए, ए ने 12 घंटे कम काम किया, क्योंकि ए ने 12 घंटे काम कम किया है इसलिए बी ने 18 घंटे काम ज़्यादा किया था उसको रिकवर करने के लिए। मतलब बी का 18 घंटे का जो काम है वो ए के 12 घंटे काम के बराबर है। यहाँ से आप बी अपॉन ए की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं, 2/3। मतलब ए पर डे करेगा 2 काम, ए पर डे करेगा 3 काम और बी पर डे करेगा 2 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 2 + 3 5 काम, और कितने दिनों तक काम करते हैं, 18 दिनों तक, तो 5 × 18 कर देंगे कितने, 90। 5 × 18 कर देंगे कितने काम हो गए, 90। अब यही 90 काम अगर हमें बी से करवाने तो 90/2 कर देंगे 45 दिन, और यही 90 काम ए से करवाने तो 90/3 कर देंगे 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, ए नौकरी का 50% काम जो है वो 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी 24 दिनों में 1/4 काम पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करने के कितने दिनों में 3/4 काम कर सकते हैं? तो जब ए के लिए बोला है कि ए 50% काम करने में अगर 16 दिन लेता तो पूरा काम करने में कितने दिन लेगा, 32 दिन लेगा। तो ए के लिए हो गए 32 दिन और बी के लिए दिया हुआ है 96 दिन, तो 32 और 96 का आपने एलसीएम लिया तो ये आ गया 96 वर्क। आपको टोटल वर्क पता लग गया, टाइम पता है, टाइम से आपने डिवाइड किया, 32 से डिवाइड करेंगे 3 और 96 से डिवाइड करेंगे 1, ये एफिशिएंसी आ गई। अब लेकिन हमें इस बार पूरा काम नहीं करना, हमें वर्क का 3/4 काम ही करना है, तो 96 का 3/4 करेंगे तो 72 यूनिट काम आ जाएगा, और ये 72 यूनिट काम हमें किससे किससे करवाने, ए और बी दोनों से। तो ए और बी दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं, 4 काम, 72/4 कर देंगे तो कितने दिन आ जाएंगे, 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए सीजल 2016 मेंस का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। पी और क्यू मिलकर 6 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, क्यू और आर ओ सी कार्य को 60/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी ने काम करना शुरू किया और 3 दिनों तक काम किया, क्यू और आर ने 6 दिनों तक काम जारी रखा, फिर उस समय का अंतर का पता लगाया जिसमें आर और पी उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो पी और क्यू और क्यू और आर को आपका आपको टाइम पता लग चुका है, पी प्लस क्यू का टाइम है 6 घंटे, क्यू प्लस आर का टाइम है 60/7, तो आपने इनका एलसीएम लिया 6 और 60/7 का, तो एलसीएम आ गया 60, टोटल वर्क आ गया 60, मतलब कि 60 यूनिट वर्क करना है। इस टाइम पर टाइम से आपने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर एफिशिएंसी आ गई 10 और ये एफिशिएंसी आ गई 7। अब आपसे क्वेश्चन पर बोला गया था काम की शुरुआत करिए पी ने और कितने दिनों तक काम किया, 3 दिनों तक, तो पी का 3 दिन का काम है और क्यू प्लस आर का 6 दिनों का काम है, तो पी का 3 दिन का काम, पी का 3 दिनों का काम है और क्यू प्लस आर का 6 दिनों का काम है। क्यू प्लस आर एक दिन में कर रहे हैं 7 काम, तो 6 दिन में कितने काम करेंगे, 42, टोटल काम होने थे 60, 60 में 42 काम हो गए, तो काम बचे कितने, 18 काम। अभी 18 काम कौन कर रहा था, पी, और कितने दिनों में कर रहा था, 3 दिनों में, तो पी का 3 दिन का काम अगर 18 है तो पी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6, पी का एक दिन का काम हो गया 6, और एक दिन का काम क्या होता है, एफिशिएंसी। तो आपने यहाँ से पी की एफिशिएंसी निकाल ली, और चूंकि पी की एफिशिएंसी पता लग गई तो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी आप देख रहे हैं 10 है, जहाँ पर पी की एफिशिएंसी अगर 6 है, टोटल अगर 10 है तो क्यू की एफिशिएंसी हो जाएगी 4, क्यू की एफिशिएंसी हो जाएगी 4, पी की एफिशिएंसी 6,
ये तो आपको पता लग गई थी। और पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 10 है, इसका मतलब क्यू की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। तो पी प्लस क्यू से आपने क्यू की एफिशिएंसी निकाल ली, और क्यू की एफिशिएंसी अगर 4 है तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी है 7, जिसमें क्यू की एफिशिएंसी है 4, तो बची हुई आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। यहाँ से आपने आर की एफिशिएंसी निकाल ली 3। तो इस प्रकार से आप एफिशिएंसी को सोच सकते हैं। अच्छा, टोटल वर्क यहाँ पर कितना करना था? टोटल वर्क करना था 60। टोटल वर्क करना था 60, चूँकि हमें पी क्यू आर की एफिशिएंसी पता लग चुकी है। आप डिवाइड कर जाएंगे तो आपको टाइम भी पता लग जाएगा। पी पर डे कर रहा है 6 काम, तो 60 काम करेगा 10 दिनों में। क्यू पर डे कर रहा है 4 काम, तो 60 काम करेगा 15 दिनों में। और आर पर डे कर रहा है 3 काम, तो 60 काम करेगा 20 दिनों में। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था पी और आर का डिफरेंस बताओ। तो पी ने लिए थे 10 दिन और आर ने लिए थे 20 दिन, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि 90 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 16 दिनों में एक निश्चित कार्य कर सकते हैं, तो उस कार्य के उस भाग का पता लगाइए जिसे प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 24 दिनों में 70 पुरुषों द्वारा पूरा किया जा सकता है। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन अभी आपको बताया गया था। एमडीएच बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इन पर एमडीएच पर आप उठा करके वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो एमडीएच पर आपने वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पर 90 पुरुष 16 दिनों में 12 घंटे काम करके एक काम पूरा करते हैं, तो 70 पुरुष 24 दिनों में पर डे 8 घंटे काम करते हुए कितने हिस्से काम को पूरा करेंगे। यहाँ से आपने W की वैल्यू निकाल ली 7/9। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ए और बी 8 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, बी और सी 12 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, ए बी सी 6 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, ए सी द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या बताइए। तो देखिए, ए बी ने लिए हैं 8 दिन, बी सी ने लिए हैं 12 दिन, और ए बी सी ने लिए हैं 6 दिन। और यहाँ पर आपने इन तीनों का अगर एलसीएम लिया तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 24। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ए बी का टाइम दिया हुआ है 8 दिन, और बी सी का टाइम दिया हुआ है 12 दिन, और ए बी सी का टाइम दिया हुआ है 6 दिन। तो आपने एलसीएम ले लिया, इनका टोटल वर्क आ गया यहाँ पर 24। आपने टाइम से डिवाइड कर लिया, 8 से डिवाइड किया एफिशिएंसी आ गई 3, 12 से डिवाइड किया एफिशिएंसी आ गई 2, और ए बी सी 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पर एफिशिएंसी आ गई 4। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है 4। तो ए बी की आप एफिशिएंसी देख पा रहे हैं, ए बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। ए बी की अगर आप यहाँ पर एफिशिएंसी का यूज़ करते हैं, ए बी की एफिशिएंसी अगर आपने 3 पुट कर ली, तो चूँकि ए बी सी की एफिशिएंसी है 4, तो यहाँ से आप सी की एफिशिएंसी निकाल पाएंगे कितनी 1। और अगर अब यहाँ पर आप बी सी की एफिशिएंसी देखें तो बी सी की एफिशिएंसी है 2, तो यहाँ पर आपने बी सी की एफिशिएंसी पुट कर ली 2, और टोटल है 4, तो बची हुई ए बी की ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। तो ये आपने ए की एफिशिएंसी निकाल ली। इस प्रकार आपको ए और सी टोटल एफिशिएंसी पता पड़ गई 3। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ए सी उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो ए सी पर डे कर रहे हैं 3 काम, तो 24 काम कितने दिनों में कर लेंगे 8 दिनों में, 8 दिनों में काम को कर लेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जितने भी ये वीडियोस आ रहे हैं ये आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इन्हें इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोज़ को प्रॉफिट उठा पाएँ। चलिए, थैंक यू सो मच।